अब हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिकल में अगर करना है इसको कि एरिया निकालना है क्रॉस स्टॉपर चंग से तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक हमको लेवल बुक कह रहे हैं, फील्ड बुक की जरूरत होगी। फील्ड बुक कहने के लिए तो फील्ड बुक है लेकिन वो एक्चुअली कॉपी की दिशा है। तो कॉपी की दिशा है तो इसमें जो पेज होता है फील्ड बुक का पेज तो पेज ऑफ फील्ड बुक क्या होता है, तो फील्ड बुक का पेज जो है ये पेज है बीच में जो है कि दो लाइन खींचा हुआ है, दो लाइन जो खींचा हुआ है इसमें अब हमको जिसे क्या था ए और बी मेन चैलेंज था तो नीचे एक ट्रायंगल बना देंगे इसमें लिख देंगे ए और ऊपर में जो ट्रायंगल बनाएंगे वो नीचे की ओर रहेगा और इसमें लिख देंगे बी यानी ए से बी की ओर मेजरमेंट कर रहे हैं। अब जीरो जहां होगा यहां पर हम लिख दिए जीरो मीटर और बी पर लिख दिए मीटर, ये हो गया बी यानी ए से बी की तरफ मेजरमेंट किया गया है। क्वेश्चन में भी देखो जनरली इस तरह का क्वेश्चन लेकिन नीचे में जीरो रहेगा ऊपर में मैक्सिमम डिस्टेंस दिया रहेगा। अब इसमें है क्या क्या डिस्टेंस है, पंद्रह मीटर, 18 मीटर, 34 मीटर, 36 मीटर, ये लिख दिए। अब 15 मीटर पे किस तरफ है ऑफसेट मेरा, राइट साइड में है तो इसका हम नाम दे दिए सी डी ई एफ। अब 15 मीटर पर राइट साइड में है तो राइट साइड में हम यहां लाइन दे करके दे दिए नाम यहां जी और ये हो गया 16 मीटर। 18 मीटर पर डी है, डी से किधर है, लेफ्ट साइड में है मेरा ऑफसेट तो यहां हम डी से यहां नाम दे दिए जे और इसका डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। उसके बाद ई स्टेशन आता है, ई स्टेशन पर क्या है 36 मीटर पर है, ये 34 मीटर पर है तो 34 मीटर पर ये अगेन मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये हो गया आई। कितना दूरी है 18 मीटर। 36 मीटर पर एफ है, एफ से किधर है राइट साइड में है, इधर हम लाइन कीजिए और ये हो गया मेरा एच। एच ये कितना है 20 मीटर का है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम टू दी स्केल इसको करें, अपना जहां भी सहूलियत है उसके अनुसार हम पॉइंटिंग करते गए और लिखते गए। अब इसको देख करके हम यहां फील्ड बुक को देखने के बाद हम प्लॉट करेंगे ट्रैक शीट पर।
तो अब है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए, ये तो पूरा लास्ट फार्मूला हमको मिल गया ये रीडिंग। तो अब रीडिंग लिखने के लिए जो टेबल फॉर्म में बता दिए थे पहले, उस टेबल फॉर्म में हमको भरना होगा पूरा और एरिया पूरा निकालना होगा। अब इसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या आ गया, पहला मेट्रिक चैन, कितना ये 2 नंबर्स ऑफ आइदर 30 मीटर और 20 मीटर जो तुमको अवेलेबल है उस तरह मान लो कि हम लिख दे रहे हैं कि ऑफ 20 मीटर ये हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, या हम लिख देते हैं इस तरह से टेप थर्टी मीटर 1 नंबर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ओपन क्रॉस स्टॉप विथ स्टैंड वन नंबर। तो ये इतना मेरा हो जाएगा। तो इससे हम लेकिन अब हमें और क्या चाहिए, क्योंकि 20 मीटर चैन है यहाँ लेंथ क्या है 50 मीटर दे रहे हैं, तो हमें कम से कम कहो कि 4 रनिंग रॉड चाहिए, 4 और इधर 5। तो रनिंग और मिनिमम 5 नंबर्स। एरो कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ, तो आठ कुछ रिंग रॉड रहेगा तो मेरा नंबर्स कर देते हैं। तो इतना इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, मेट्रिक चैन 2 नंबर्स ऑफ 20 मीटर्स, टेप 30 मीटर ऑफ 1 नंबर, ओपन क्रॉस स्टॉप विथ स्टैंड 1 नंबर, रनिंग रॉड 5 नंबर्स, एरो 5 नंबर्स।
इतना हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके बाद हमें अपने भाषा में लिख देना है कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। आपको बताया है क्रॉस स्टाफ और चैन का कैसे सर्वे करना है, तो उस अनुसार अपने भाषा में आप लिख दीजिए और डाटा का टेबल आप बना लीजिए रफली। अभी ठीक है, हमारे पास कितना आया था, 6 एरिया आया था, तो 6 का हो गया। आप थोड़ा बड़ा बना लीजिए, और जैसा अगर कॉलेज खुलने के बाद अगर लैब होता है तो लैब में हम लोग कर लेंगे, तो उस हिसाब से हम अपना डाटा फीडअप कर लेंगे क्या मेरा एक्चुअल डाटा है, और उसके अनुसार कैलकुलेशन करके हम प्रैक्टिकल जमा कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे का एक प्रैक्टिकल भी। ठीक है, पहला रनिंग का बता दिए थे, डायरेक्ट रनिंग और इनडायरेक्ट रनिंग कैसे होता है। दूसरा प्रैक्टिकल ये हो गया कि चैन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, तो ये भी एक हो गया मेरा सर्वे का।